नमस्कार दोस्तों, टेक्टू की एक नई कंसेप्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के कंसेप्ट का नाम है डिलीवरी परसेंटेज। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि डिलीवरी परसेंटेज होता क्या है, उसके बाद डिलीवरी परसेंटेज को यूज कैसे करना है, और डिलीवरी परसेंटेज क्लीनर का यूज करके बेसिकली हम स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज होता क्या है। तो डिलीवरी परसेंटेज बेसिकली जो जो पोजिशन इंट्राडे में स्क्वेयर ऑफ नहीं होती, तो बेसिकली डिलीवरी परसेंटेज ये होता है कि जो जो पोजीशंस इंट्राडे में स्क्वेयर ऑफ नहीं की जाती और वो जो पोजीशंस डीमैट में कन्वर्ट की जाती है, बेसिकली उन्हीं को हम डिलीवरी परसेंटेज कहते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज स्विंग ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट क्यों है? तो डिलीवरी परसेंटेज स्विंग ट्रेडिंग में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिलीवरी से आपको एक चीज पता चल जाती है कि ये ट्रेडर्स अब इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस बना रहे हैं और आने वाले 1 से 2 वीक के सेशंस में बेसिकली ये स्टॉक अच्छा खासा एक मोमेंटम आपको देके चला जाएगा। तो बेसिकली डिलीवरी परसेंटेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है, तो आप बेसिकली एनएसई के वेबसाइट पे जाते हो। एनएसई के वेबसाइट पे आप एनएसई डिलीवरी डेटा सर्च कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने एक डिलीवरी की पेज सिक्योरिटी वाइज आर्काइव बेसिकली पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको हर इंडिविजुअल स्टॉक की डिलीवरी को चेक करना होगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पर हम टाटा मोटर्स का डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप वन डे, 1 वीक, 1 मंथ, आपको जितनी भी दिन की डिलीवरी परसेंटेज उस स्टॉक की चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और आपको उस स्टॉक की स्पेसिफिकली डिलीवरी परसेंटेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारा डेटा है, यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है वो है परसेंटेज डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी और डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो ये दो कॉलम्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि इतने सारे 4 से 5 हजार स्टॉक्स है और आप इन स्टॉक्स में से कैसे नैरो डाउन करोगे या कैसे सिलेक्ट करोगे कि मुझे यही स्टॉक। तो रोज बेसिकली आपको यही एक्सरसाइज करना है, बहुत बड़ा स्ट्रेस का काम है। तो ये चीज याद रखेंगे, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल काम है। तो आप एनएसई की वेबसाइट पे जाओगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स को स्क्रीन करोगे, उनके इंडिविजुअल डेली बेसिस पे कितनी डिलीवरी हुई है वो भी आप स्क्रीन करोगे और तो आपके एक्सेल में इसे रिकॉर्ड करोगे। तो ये बहुत एक स्ट्रेसफुल जॉब है। तो बेसिकली हम ये आज के वीडियो में देखेंगे कि ट्रेड क्लू पे जो हमारा डिलीवरी परसेंटेज स्क्रीनर है वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हेल्प कैसे कर सकता है। खास करके ट्रेड क्लू इंट्राडे के लिए जाना जाता है, बट ये ट्रेड क्लू की जो डिलीवरी परसेंटेज की स्क्रीनर है शायद ही किसी ट्रेडर्स ने आप में से यूज की होगी। डेफिनेटली जितने भी ऑफिस गोअर्स है सिर्फ दिन के 10 मिनट, 5 से 10 मिनट देखें वो फाइंड आउट कर सकेंगे इस वीडियो देखने के बाद कि यस डेफिनेटली कौन से स्टॉक आने वाले समय में एक अपसाइड मोमेंटम देने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि पहले डिलीवरी परसेंटेज कैसे दिखता है। आपको स्विंग पिक्स पे क्लिक करना है, स्विंग पिक्स के बाद आपको डिलीवरी परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। डिलीवरी परसेंटेज पे क्लिक करते ही आपके सामने ये कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डेट दी गई है, डेट वाइज एफओ यानी जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं अगर वो हाई डिलीवरी परसेंटेज में होंगे तो वो बेसिकली आपके एफओ के अंडर आएंगे, और अगर जितने भी स्टॉक नॉन एफएनओ है और जो स्टॉक्स निफ्टी 500 में है तो वो सारे के सारे स्टॉक्स आपके निफ्टी 500 में आएंगे। तो क्या ये जितने स्टॉक्स है उन सभी को ट्रेड करना चाहिए? नहीं। तो इनमें से, इन स्टॉक्स में से हमने कुछ एक सेटअप्स रखे हैं, कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, वो क्राइटेरिया को हमें ऑब्जर्व करना है, वो क्राइटेरिया को फॉलो करना है जिससे कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन से सेटअप्स है बेसिकली जिनको हमें फॉलो करके अच्छे खासे हाई प्रोबेबल स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 सेटअप बना के रखे हैं। फर्स्ट सेटअप में बहुत सिंपल सेटअप है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं है। तो फर्स्ट सेटअप बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट सेटअप में आपको ये ही देखना है कि पहले तो स्टॉक करेक्टेड है। अब ये स्टॉक हो सकता है 5% करेक्टेड हो प्रीवियस स्विंग हाई से, हो सकता है 10% करेक्टेड हो, हो सकता है 15% करेक्टेड हो। अब ये स्टॉक करेक्टेड होने के बाद हमें हमारे डिलीवरी परसेंटेज में यहाँ पर बेसिकली अगर इसमें डिलीवरी आई होगी तो हमें ये डिलीवरी परसेंटेज में यहाँ पर दिख जाएगा। तो बेसिकली आपको सबसे पहला काम यही करना है कि ये जितने स्टॉक्स आ रहे हैं आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे में, आप कभी भी फ्री हो 5 मिनट्स के लिए, आपको इनके चार्ट्स पे जाना है। आवरली चार्ट पे जाके आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखनी है। तो फर्स्ट सेटअप क्या है? तो फर्स्ट सेटअप में स्टॉक करेक्टेड है, करेक्टेड होने के बाद स्टॉक साइडवेज जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। साइडवेज के साथ यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं एक बहुत ही कॉमन बुलिश पैटर्न है जिसको बेसिकली हम डबल बॉटम भी कहते हैं, कभी कभी ट्रिपल बॉटम भी पैटर्न बना सकता है, हो सकता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बना दे। तो पैटर्न्स के लिए वहां पर आप बेसिकली स्क्रीन कर सकते हो। यहाँ पर हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, हमें ग्रीन बैंड होना चाहिए यहाँ पर, फॉलोड बाय इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स। अब एक चीज याद रखिए, निफ्टी 500 के स्टॉक में ऑप्शन लेवल्स नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप एफएनओ स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पर अगर मैक्स पुट ओआई का लेवल हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी। और इसके बाद फर्स्ट बॉटम बनाने के बाद आपको सेकेंड बॉटम जैसे ही बनता है और फिर जैसे ही पैटर्न
ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने आता है, डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बन सकता है। सेकंड ट्रेड सेटअप कौन सा है कि स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और ऑलरेडी ऊपर जाने के बाद अब हमें वो डिलीवरी परसेंटेज में मिल गया है। अब एक चीज याद रखिए, कभी कभी स्टॉक ऊपर जाने के बाद भी बायर्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं और बहुत ज्यादा उसमें डिलीवरी आ सकती है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये था हमारा कि स्टॉक करेक्टेड है और फिर बायर्स इंटरेस्टेड है। यस, डेफिनेटली दो तरह के बायर्स हो सकते हैं। एक बायर है जो करेक्टेड स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रख रहा है, सेकंड बायर है जो हाई पे बाय कर रहा है क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि और स्टॉक यहाँ से ऊपर चली जाए। तो ये सेकंड सेटअप यही है बेसिकली, हमें ऑलरेडी एक स्टॉक जो ऊपर ऑलरेडी मोमेंटम दे चुका है वो स्टॉक हमारे स्क्रीनर में आ चुका है। इसके बाद हमें ये चाहिए कि बेसिकली वो स्टॉक कंसोलिडेशन में चला जाए। अब ये कंसोलिडेशन हो सकता है 2 दिन की हो सकती है 3 दिन की हो सकता है 2 वीक्स की भी हो, ये हम नहीं बता पाएंगे कि ये 2 ही दिन में ब्रेकआउट होगा या 3 ही दिन में। ये कंसोलिडेशन फ्रॉम 2 days टिल 5 to 7 ट्रेडिंग सेशंस हो सकती है। और इसके बाद हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चाहिए कि यहाँ पर ग्रीन बैंड आ जाना चाहिए। ग्रीन बैंड आता है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ग्रीन बैंड यहाँ विजिबल नहीं है या कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल नहीं है, याद रखिए ये ट्रेड की फेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मेक श्योर कि ग्रीन बैंड यहाँ आ ही जाना चाहिए। और ग्रीन बैंड के बाद जैसे ही इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट करेगा, यस डेफिनेटली रेंज का लो हमारा SL होगा और 1:2, 1:3 का हमारा RR होगा। तो चलिए कुछ केसेस देख लेते हैं जो केसेस ऑलरेडी हो चुकी है प्लस ऑलरेडी आज 1 से 2 दिन में भी अच्छे खासे स्टॉक्स आ चुके हैं। तो हमारी फॉरवर्ड टेस्टिंग भी हो जाएगी और उसके साथ हमारी बैक टेस्टिंग भी हो जाएगी। सो इसके साथ ही हम कुछ फेल्ड केसेस भी देख लेते हैं। फेल्ड केसेस से हमें ये पता चल जाएगा कि ग्रीन बैंड के कितने इंपॉर्टेंस है। तो आपको स्विंग पिक्स पे क्लिक करना है, डिलीवरी परसेंटेज पे क्लिक करना है। डिलीवरी परसेंटेज के बाद आपको यहाँ पर निफ्टी 500, अगर याद रखिए ये अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब है कि उस दिन ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेम वे अगर आप देख सकते हो 27 मार्च को ऑलमोस्ट निफ्टी 500 भी ब्लैंक था, इसका मतलब कोई भी स्टॉक ने ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, SKF इंडिया का है जो आया था 18 मार्च को। तो SKF के चार्ट पे चलेंगे हम और SKF के आवरली चार्ट पे चलेंगे। तो SKF आया था 18 मार्च को, मतलब लगभग यहां पर कहीं आया था, राइट, यहां पर कहीं आया था। अब ये फर्स्ट बॉटम बना दिया था इसने ऑलरेडी। अब यहां पर अगर आप देख सकते हो तो आज ग्रीन बैंड नहीं दिख रहा है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आज ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ चल रहा है, लेकिन जब ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ था और फिर यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज आया था, यहाँ पर आपको एक ग्रीन बैंड ऑलरेडी यहाँ पर विजिबल था। तो ये याद रखिए, क्योंकि ये चार्ट अपडेट हो चुका है इसके लिए ये ग्रीन बैंड आज आपको नहीं दिख रहा है, तो ये तभी ग्रीन बैंड था और ये क्लियर एक डबल बॉटम था। डबल बॉटम के बाद जैसे हमने क्लियरली बताया, अगर आप यहाँ पर कोई भी एक नॉर्मल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लोगे या पैटर्न जैसे ही कंप्लीट हो रहा है तभी भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आपकी जो रिस्क है स्विंग ट्रेडिंग में, तो आपको याद रखनी है इट शुड नॉट एक्सीड बाय मोर देन 5%। और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमारी जो स्टॉप लॉस था हमसे ऑलमोस्ट 5 to 5.5% का था। और टारगेट अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट ऑलमोस्ट हमें 10% का हमें 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मिल चुका है। चलिए तो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? तो नेक्स्ट स्टॉक हम देखने वाले हैं अदानी पावर, जो कि हमारे पास 20 मार्च को आया था। तो अदानी पावर का यहाँ पर चार्ट लगा लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम का, और अदानी पावर में देखते हैं कि कोई सेटअप बना था या वहां कोई ग्रीन बैंड था। तो यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अदानी पावर जो आया था 20 मार्च को, मतलब लगभग यहाँ पर बॉटम में आया था, राइट, और स्टॉक करेक्ट हो गया था 580 से ऑलमोस्ट 500 के लेवल पे आया था। तो ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा 7 to 8% का करेक्शन है। अब करेक्शन होने के बाद कौन सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमें फर्स्ट बॉटम बना है, सेकंड बॉटम बना और फिर से थर्ड बॉटम बना है। तो ये ट्रिपल बॉटम का केस था, राइट। तो ये ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर एक ग्रीन बैंड भी बना है। अगर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ एक क्लियरली ग्रीन बैंड है। और यस, डेफिनेटली ये अब लेवल्स क्यों नहीं दिख रहे क्योंकि ये चार्ट अपडेट हो चुका है, लेकिन मंथली सपोर्ट यही पर था और वीकली सपोर्ट भी यही पर था। तो एक हाई प्रोबेबल ट्रेड था। रिस्क अगर आप देखोगे इस ट्रेड में तो ऑलमोस्ट ये जो रिस्क है ऑलमोस्ट थी 6-7% की, लेकिन अदानी पावर जैसे आपको पता है एक बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है, देखिए आपको रिजल्ट भी इसने बहुत अच्छा बेहतरीन 17-18% का रिटर्न देके चला गया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है बेसिकली एप्टस, जो कि आया था 18th of April को। तो आप काफी लोगों का सवाल होगा सर इतने स्टॉक्स क्यों छोड़ दिए? देखिए सेटअप जहां फॉर्म होता है वहां पर आपको ट्रेड लेना है क्योंकि वो आपके लिए हाई प्रोबेबल ट्रेड होगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो एप्टस ये 2 बार आया था, ऑलमोस्ट 16th of April को भी आया है और 18th of April को भी आया है।
तो एप्टस के चार्ट पे अगर हम चलते हैं और देखते हैं कि एप्टस में क्या हुआ था, तो एप्टस के आवरली चार्ट पे चलते हैं, तो एप्टस के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है क्लियरली, तो एप्टस के चार्ट में क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये डबल बॉटम जैसा एक स्ट्रक्चर बना है फॉलोड बाय ग्रीन बॉक्सेस। तो ये ग्रीन बैंड या ग्रीन बॉक्सेस फॉलोड बाय इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स, इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल जैसे कि आप देख सकते हो WS है, WR है, और इसके बाद अगर आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस भी यहाँ फाइंड आउट कर लेते हो तो यस डेफिनेटली आपका काम हो चुका है। प्रीवियस स्विंग हाई का SL लगाना है आपको, ये चीज याद रखनी है। अगर यहाँ से अगर आप SL भी अगर गिनोगे तो वो है ऑलमोस्ट 5% का, और रिटर्न अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में 10% का ने रिटर्न दे दिया है। तो ये जितने भी सेटअप्स अब तक डिस्कस किए हमने ऑलमोस्ट सेटअप नंबर 1 थे। अब देखते हैं एक सेटअप नंबर 2। तो सेटअप नंबर 2 के लिए हमारे पास एक स्टॉक है जो है एजी स्केम, करेक्ट। तो इसका चार्ट देख लेते हैं एजी स्केम का। तो एजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, और 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हमें, क्लियरली एक अप ट्रेंड में है स्टॉक। सिमिलरली सेटअप शीट में भी देख लीजिए, सेटअप शीट में हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग अप मूव रहेगा, उसके बाद साइडवेज जाना चाहिए स्टॉक, ग्रीन बैंड आ जाता है, तो ग्रीन बैंड फॉलोड बाय कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल जब फिर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड हमें अपसाइड में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक बेसिकली 16th of April मतलब इस दिन आया। अब ये स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड फॉलोड बाय कंसोलिडेशन, फिर से अप ट्रेंड फॉलोड बाय कंसोलिडेशन, और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रीन बैंड आई फॉलोड बाय टेक्निकल लेवल विच इज MR, और MR यानी मंथली रेजिस्टेंस है, बट जैसे ही मंथली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है फिर मंथली रेजिस्टेंस आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो एक ग्रीन बैंड प्लस यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसकी बेस नहीं ब्रेक हो रही है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी रिस्क थी ऑलमोस्ट 8%। यस ये स्मॉल स्टॉक है और वोलेटाइल भी है, और आपको देखिए ऑलमोस्ट 16% इसने एक दिन में आज दे दिया। अब ये तो हमने सेटअप 1 और सेटअप 2 के कुछ केसेस देख लिए, इसी के साथ कुछ फेल्ड केसेस भी देख लेते हैं। फेल्ड केसेस देखने से हमें यही पता चल जाएगा कि ग्रीन बैंड की या ग्रीन बॉक्स की या टेक्निकल लेवल्स की कैसे इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक स्टॉक आया था वेस्ट लाइफ, जो कि आया था 3rd of April को। तो पहले वेस्ट लाइफ के आवरली चार्ट पे चलते हैं और आवरली चार्ट पे 3rd April को देखते हैं कि क्या हुआ था बेसिकली। तो 3rd April को जैसे कि आप देख सकते हो 3rd April यानी यहाँ है, और ये स्टॉक अब तक कंसोलिडेशन में है, ये अब तक अपनी रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। तो डेफिनेटली जैसे हमने डिस्कस किया है कि जब तक ग्रीन बैंड नहीं आएगा, ग्रीन बैंड एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर है आपको ये बताने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो ये ग्रीन बैंड आता है तो यस ये भी आप रडार पे रख सकते हो, लेकिन इसको काफी टाइम हो चुका है। तो यदि अगर यहाँ ग्रीन बैंड वगैरह आ जाता तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छा खासा हमें 900-950 के लेवल दिखा सकता था, बट यहाँ ग्रीन बैंड के एब्सेंस की वजह से यहाँ पर डेफिनेटली हमें एक रैली देखने नहीं मिली। तो बेसिकली नेक्स्ट केस देख लेते हैं जो कि है आईसेक। तो आईसेक के आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चले जाते हैं, और आईसेक जो आया था बेसिकली 28 मार्च को आया था। तो 28 मार्च ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट ये वाले दिन आया था 28 मार्च, तो 28 मार्च को भी बॉटम में ही था स्टॉक, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो वो टाइम पे कोई भी ग्रीन पैंड नहीं होने के कारण फिर से स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम नहीं दे पाया। इन यस डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो अब ये मंथ में ऑलमोस्ट 19 तारीख से एक ग्रीन पैंड आ चुकी है, तो अब इस स्टॉक के चांसेस थोड़े से अगर 740 के ऊपर निकलता है तो एक 750-780 के लेवल्स के आसपास जा सकता है। और सबसे लास्ट स्टॉक जो हम फोकस करें अभी, एक फ्रेश एग्जांपल है जो हमें डिस्कस करना था, वो है बेसिकली ग्रीनवेल। तो ग्रीनवेल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 9 अप्रैल को आ चुका है। तो ग्रीनवेल के बेसिकली हम अवरली चार्ट पे चलते हैं, तो ग्रीनवेल के अवरली चार्ट पे हमें क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली ग्रीनवेल का अवरली चार्ट हम लगा लेते हैं। अब ग्रीनवेल नॉर्टन का अगर आप देखोगे अवरली चार्ट हमारे ऑलमोस्ट सेटअप नंबर 2 जैसा है। सेटअप नंबर 2 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड हो चुका है, अब स्टॉक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन में, तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन है। लेकिन क्या यहाँ पर एक ग्रीन बैंड है, नहीं है। तो यहाँ पर एक ग्रीन बैंड विजिबल नहीं है, इसकी वजह से अगर आप देख सकते हो ग्रीनवेल अब तक बेसिकली ऊपर नहीं जा पा रहा है। इसने कोशिश जरूर की थी, ऑलमोस्ट 2150 पहुंच जरूर गया था, लेकिन इसके बाद फिर से ये रिवर्स करके आ चुका है। तो ये भी केसेस आपको याद रखनी होंगी कि ग्रीन बैंड नहीं है अगर कोई, क्योंकि ग्रीन बैंड जो है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रेड फ्लो का। हाँ, अगर ये फिर से यहाँ ग्रीन बैंड आ जाता है ये 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में, और फिर ये 2150 को ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है आने वाले सेशन में ये 2150 से 2200-2250 इस लेवल के आसपास जा सकता है। अब सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीजें करते समय 3 चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। 3 चीजें ये है कि बेसिकली आपको ये देखना है कि सबसे पहले इंडेक्स आपका पॉजिटिव है क्या। अगर इंडेक्स पॉजिटिव है तो यस डेफिनेटली आपके आपने जो स्टॉक सिलेक्ट भी किया है आपको एक एटलीस्ट मिनिमम 7-8% की तो रैली देके चला जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये देखनी है
जो भी स्टॉक आप फोकस कर रहे हो, लेट्स से जो आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज देख रहे हो या आप ग्रीनवेल नॉर्टन देख रहे हो, तो आपको ये देखना है कि क्या उसका सेक्टर भी पॉजिटिव है। अगर इसका सेक्टर का भी ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होने वाला है, ये चीज याद रखिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है बेसिकली उसके पीयर्स, तो पीयर्स यानी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अगर आप देख रहे हो तो आप जाके दूसरी कोई सिक्योरिटीज की स्टॉक देखिए कि क्या वो अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, क्या वो भी ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। सिमिलरली अगर आप कोई टीवीएस मोटर स्टॉक आता है तो आप देखिए उस ऑटो सेक्टर के कोई मारुति स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट के लिए रेडी है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटो है। तो बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें भी है आपको ये देखना है। सबसे पहले तो इंडेक्स पॉजिटिव है क्या, जो कि है आपका निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट हो गया। अगर आप बैंक स्टॉक देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव है क्या। थर्ड थिंग ये देखना है उसकी पीयर्स, तो उसकी पीयर्स यानी बेसिकली उसी के सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए जो स्पेसिफिक एक सेम चीज में वो डील कर रहे हैं। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये चीज याद रखिए। डिलीवरी परसेंटेज का काफी लोगों को वीडियो का, इस वीडियो का इंतजार था, और काफी ऑफिस गोइंग लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि सर हमें भी बताइए स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है ट्रेड प्रो की मदद से। तो देखिए काफी लोग आज भी ये कहेंगे कि सर हमें टाइम नहीं मिलता है डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए, या हमें प्राइस एक्शन नहीं समझ रही है। अब हमने प्राइस एक्शन भी सिंप्लीफाई कर दी है, और लास्ट स्टेप यही है, अगर आपको उस चीज के लिए भी वक्त नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो सिंपल आप अगर ट्रेडप्लू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो टॉप पिक्स में ऑटोमेटिकली इन्हीं स्टॉक्स में से हम स्टॉक सिलेक्ट करके यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आप इस स्टॉक्स को भी फॉलो कर सकते हो, प्लस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम ऑलरेडी स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं अलोंग विद द एनालिसिस वीडियो। तो उसी वीडियो की मदद से भी आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।